part of first poem is, but soon put that thought away and looked out of at young trees sprinting. तो उसके बाद जो कवित्री है वो अपनी कार से बाहर जो छोटे छोटे युवा जो वृक्ष हैं उनको तेज दौड़ते हुए देखती है, जैसे कि हम कई बार ट्रेन के अंदर कार में बस में यात्रा कर रहे होते हैं और जो वृक्ष है वो गाड़ी या कार के पीछे दौड़ते हुए प्रतीत होते हैं। तो ये जो वृक्ष हैं ये दौड़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं, इसका मतलब है कि जो वृक्ष हैं वो एनर्जी के प्रतीक हैं, यूथनेस के प्रतीक हैं। द मैरी चिल्ड्रन, मैरी मीन्स हैप्पी चिल्ड्रन स्पिनिंग आउट ऑफ देयर होम, और जो छोटे बच्चे हैं वो अपने घरों से खुशी खुशी बाहर निकल रहे हैं, जिस प्रकार से शाम होने पर जो बच्चे हैं वो अपने घरों से बाहर निकल करके स्ट्रीट में खेलते हैं दौड़ते हैं। तो जो बच्चे हैं वो ज़िंदगी की लाइफ जर्नी जो है उसकी शुरुआत का प्रतीक हैं, लेकिन जो कवित्री की माता है वो अपनी ज़िंदगी की जो जर्नी है, लाइफ जो जर्नी है उसके एंडिंग जो है टाइम पर पहुँच रही है, क्योंकि वो मृत्यु के बहुत नज़दीक है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, तो उसके बाद जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ पे सिक्योरिटी हमारे पासपोर्ट वगैरह चेक किए जाते हैं, तो पासपोर्ट वगैरह चेक होने के बाद, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, जो कवित्री है वो अपनी माता से कुछ दूरी पर खड़ी है क्योंकि उस वहाँ पर सभी को अंदर जाने की परमिशन नहीं होती है। आई लुक्ड अगेन एट हर, कवित्री जो है वो अपनी माता को दोबारा फिर देखती है क्योंकि वो विदेश जा रही है, अब्रॉड जा रही है, और उसकी दिल के अंदर जो है ये संशय है, सस्पेक्ट है कि उसकी माता मर जाएगी। आई लुक्ड अगेन एट हर वेन, वेन मीन्स कलरलेस, पेल पीला। अब उसकी माता जिसके चेहरे का रंग उड़ चुका है, पीला पड़ चुका है, और जो शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है उसको देखती है, एज ए लेट विंटर्स मून, और उसकी माता की जो तुलना है वो लेट विंटर मून, मतलब कि जो वो चंद्रमा जो अमावस की रात की तरफ जाता है और लास्ट में उसका एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो इसी तरह से जो उसकी माता है वो अपनी ज़िंदगी रूपी यात्रा को पूरी करने के बाद अंतिम पड़ाव पर पहुँच चुकी है, एंड फेल्ट दैट ऑल फेमिलियर एक, और उसे वही डर उसके दिल के अंदर कवित्री की है कि जिस प्रकार से बूढ़ा व्यक्ति जो है वो कभी भी मरने के कगार पे होता है, और वही डर उसको उसकी माता के प्रति है। माय चाइल्डहुड ईयर, जिस प्रकार से बच्चे अपने आसपास जो है बूढ़ों को मरते हुए देखते हैं और वो भी सोचती है कि उसकी माता अब बहुत ज़्यादा मृत्यु के नज़दीक है। बट और आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, अम्मा जो शब्द है वो माता के लिए यूज़ किया गया है, तो उसके बाद जो है वो उसने जो कुछ भी कहा अंतिम समय के अंदर लास्ट टाइम में अपनी माता को जो है अलविदा कहते हुए उसने कहा कि अम्मा ऑल आई सेड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, तो उसने जो है उसके दिल के अंदर बहुत ज़्यादा डर है कि उसकी माता मर जाएगी, लेकिन वो उस डर को अपने चेहरे पर या अपनी माता के सामने एक्सप्रेस नहीं करना चाहती, व्यक्त नहीं करना चाहती, सिर्फ उसने मुस्कुराते हुए चेहरे से अपनी माता को अलविदा बोला। अब इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं जैसे मैंने लिखे हैं, मैरी का मतलब होता है हैप्पी, स्पिलिंग मीन्स मूविंग आउट क्विकली, स्प्रिंटिंग मूव फास्टली, वैन मीन कलरलेस, पेल फेडेड येलोस, और एक मीन्स डीप पेन, गहरा। थैंक यू।